हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ और सुबह सुबह मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं नई बना रही हूँ ना, तो सपोर्ट तो ज़रूरत, सपोर्ट की तो ज़रूरत है ना। तो अब मैं जाती हूँ चाय पीने के लिए। तो ये देखिए हमारा चाय, और जो जो आप लोग चाय पीते हैं, सबसे पहले आप लोग चाय पी सकते हैं। देखिए और ये जो आवाज़ सुन रहे हैं, ये स्कूल में हो रहा है प्रेयर। तो जिस स्कूल से आवाज़ आ रही है ना, उस स्कूल में मैं भी पढ़ा चुकी। एक गिलहरी दौड़ रही है, काफ़ी अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों गिलहरी सबको पसंद है। तो शायद आप लोगों का चाय हो चुका होगा, और सभी लोग तो चाय नहीं पीते होंगे, लेकिन मैं पीती हूँ चाय, हमें चाय पीना काफ़ी पसंद है। तो मेरे घर के चारों तरफ का आप दृश्य देख रहे हैं कि कितना हरियाली, कितना सुंदर है। तो सुबह शाम मैं छत पर जरूर आती हूँ। और ये कुछ बादल इस तरह से, पता नहीं पानी पड़ने वाला है क्या, और अभी तो डेली पानी पड़ ही जा रहा है। तो अब सूरज निकलने वाला है, यहाँ देखिए। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम चलते हैं थोड़ा नीचे। और यहाँ हमारा पूरा कपड़ा फैल चुका है, पूरा टंगना बरसात में भर चुका है। बरसात में ना कपड़ा धोना और सुखाना दोनों दिक्कत है। कब पानी पड़ जाए कोई दिक्कत ठिकाना नहीं है। और अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं अपना चश्मा। तो ये देखिए हमारा चश्मा का हाल क्या हो गया है, देख लीजिए मेरे चश्मा का हाल क्या है। और इसी तरह से हम पहनते हैं और अपना काम करते हैं, देख रहे हैं। तो ये वाला धागा को हम बांध लेंगे अपने कान में और इसी से काम करेंगे, क्योंकि अभी अभी जाइए दिखाने तो 800 फीस है डॉक्टर का, 800 फीस है, और उसके बाद चश्मा लीजिए 2000 लग जाएगा। और लेते हैं तो ऐसा लेते हैं ना कि गिरे तो टूटे नहीं, क्योंकि बार बार गिरता है। तो देख लीजिए क्या हाल है, और अभी पैसा है भी नहीं कि हम इसको बना सके। तो इसी तरह से काम चलाना होगा हमको, जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब हम शायद खरीद। सच्चाई यही है कि हमारी परिस्थिति ये है, तो इसलिए मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, ताकि हम हमारा भी कुछ हेल्प हो जाए और कुछ हमारे घर के लोगों का भी हेल्प हो जाए। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए, इससे अधिक आगे हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल फैमिली के लोग हैं ना। तो मिडिल फैमिली में आप जान सकते हैं कि ना किसी के आगे ज़्यादा हंस सकते हैं, ना ज़्यादा किसी के आगे रो सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का पहचान है। कि अगर आप थोड़ा सा भी, मतलब ये नहीं कहते हैं कि पढ़े लिखे, अगर कोई भी लोग थोड़ा सा अगर पढ़ लिया ना, पढ़ लिख लिया, तो उसे अपने मर्यादा में रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ अपनी मर्यादा है, मर्यादा में रहना पसंद है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अपना ब्लॉग बना लें, और ब्लॉग में तो आप लोगों को पता है कि कितना मेहनत है, दिन रात घर का काम करने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि ब्लॉगिंग कर सके और एडिट कर सके। उसके बाद टाइम तो ले ही लेता है, लेकिन करना है, क्योंकि दूसरे का जो हम काम करते हैं, प्राइवेट जो काम हम करते हैं, तो प्राइवेट काम में किसी का बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों का तो ये हाल है ना कि हम लोग अगर घर में
मतलब घर में काम करने वाली भी है तो हम लोग उससे बुरा बात नहीं, दोस्त शब्द बुरा बात नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये हमारे संस्कार के विरुद्ध है। लेकिन जहाँ हम लोग जाते थे पढ़ाने के लिए वहाँ तो क्या कहें कि मतलब प्रिंसिपल का हाल और वहाँ की जो थोड़ी सी कोई भी जो हाई पोस्ट पर थोड़ी सी आ गई मैनेजमेंट वगैरह, मतलब कि जो प्रिंसिपल के थोड़ा सा करीबी है और उसे तो कुछ अलग ही महान दर्जा मिल जाता है। मतलब वो ऐसा जेंट्स में तो हम उतना नहीं देखते हैं, ये तो हम कहेंगे कि आप लोग जो भी लेडीज़ देख रहे हैं बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि ये घर घर की कहानी है कि सही बात है कि अगर लेडीज़ को सपोर्ट करें ना तो दुनिया काफ़ी आगे बढ़ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। तो यही चीज़ हर एक जगह है, हर एक विभाग में है कि अगर आप जॉब करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा और भी देख ली हूँ, कॉलेज में भी मैं पढ़ाई थी तो वहाँ भी मैंने देखा था कि कुछ भी काम अगर कर रही है, छोटी छोटी लड़की भी कर रही है, तो मतलब वो काम को छिपा के कर रही है कि हम उससे सीख ना लें। तो भाई ये तो अपना नॉलेज है, अपना दिमाग है कि अगर आप थोड़ा सा भी आप अपने दिमाग को मतलब अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं तो आप ज़रूर सीख जाइएगा। कोई भी काम भारी नहीं है। ये बात नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही वो काम कर सकते हैं, या तो फाइल वगैरह हुआ, या तो पढ़ाना हुआ, या तो कंप्यूटर का हुआ, तो कोई भी सीख सकता है। तो वहाँ क्या होता था कि छोटी छोटी लड़की लोग रहती थी और छिपा के करती थी कि कहीं मैम सीख ना जाए मेरे बारे में। तो मेरा मतलब मैं ये सारी बात को समझते हुए भी उससे मतलब जितने भी स्टाफ से सभी से मेल से रहती थी, या छोटा सा मैनेजर था कम उम्र का, लेकिन ऐसा दहाड़ता था ना कि कितना बदतमीज अनपढ़ जाहिल जट है। तो मैनेजमेंट का मेन काम होता है कि सबको ले कर चलना, है ना, सबको लेकर के चलना, एक साथ चलना, ऐसा होता है तभी वो मैनेजर बन सकता है। मैनेजर का काम ही है कि सबको एक बना करके एक ग्रुप में तुम्हें कैसे रखना है अच्छी तरह से, डांट डपट के नहीं। तो जो भी काम कर चुके हैं उन्हें पता है ये बात। हम लोग में एक कमी था कि गलत सहना, तो मैं सबसे यही कहूँगी कि गलत कभी मत सहिए, क्योंकि गलत सहना गलत करने से ज़्यादा है अपराध होता है। तो यही हम लोगों का कमी था क्योंकि हम लोग थोड़ा उतना बोल नहीं पाते थे, काम छोड़ दिए लेकिन बोल नहीं पाते थे, क्योंकि हम लोग के लिए अपना मान सम्मान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं तो अच्छा सा कमेंट करें, ठीक है। अगर जो भी देख रहे हैं तो सोचें कि हाँ वो किस मतलब कि मैं पूरा फैमिली ही, पूरा जितने भी लोग देख रहे हैं वो हमारा फैमिली ही है। अगर हम सोशल मीडिया पर आते हैं तो वो हमारा फैमिली है, भाई है, बहन है, चचा है, चाची है, दादा दादी, बेटा बेटी के समान ही है। तो इसलिए आप लोग जो भी कमेंट करते हैं बढ़िया कमेंट करें। एक मेरा चैनल है माँ बेटी का, तो मैं उसमें मगही भाषा में बोलती हूँ क्योंकि ये हमारा अपना भाषा है, अपने लैंग्वेज को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो मैं एक वीडियो बनाई हूँ और जान करके मैं उसमें ना उस तरह से बोलती हूँ क्योंकि हमें मज़ा आता है। और ये भाषा ना हम लोग मतलब एक तरह से सोचिए तो कि हम लोग बड़े में सीखते हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी मगही बोलना नहीं सिखाए थे, बाहर रहते थे हम लोग क्वार्टर में, मेरे पापा काम करते थे तो बाहर रहते थे हम लोग, तो क्वार्टर में जानते हैं बाहर के लोग ट्रांसफ़र होता है 3 साल में, तो ये सब थोड़ा दिक्कत था, तो गांव कम ही आना जाना था तो हम लोग नहीं बोल पाते थे मगही। तो बड़े में हम लोग सीखे सब भाई बहन मिल करके। तो एक बार मैंने मगही में बोला तो देखा कि काफ़ी शेयर हुआ, तब से मैं अपना मगही भाषा और थोड़ा उसमें ऐसा बोलती हूँ कि जैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो एक लेडीज़ का कमेंट आया है, प्रभा नाम है उसका, तो एक लेडीज़ का कमेंट आया है कि गंवार लहसुन को छील के डालते हैं। तो मैं तो उसमें चैनल में बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को भी बता देती हूँ कि अगर ताज़ा लहसुन है खेत से निकला हुआ ताज़ा, तो ज़रूरी नहीं है उसे छीलना। तो उसने कमेंट किया है कि गंवार लहसुन को छील के डालते हैं, मिर्ची का डंटल तोड़ के डालते हैं। तो अगर हम मिर्ची का डंटल को तोड़कर हम लोग जो गाँव में पीसते थे ना लोढ़ी पार्टी पर, ये तो उसको छिलका ये उसका डंटल नहीं हटाते थे, क्योंकि बड़े बुजुर्ग लोग बोलते थे कि डंटल में उसका तीतापन होता है, तो हम लोग डंटल नहीं हटाते थे। और लहसुन ताज़ा लहसुन है तो उसे छिलने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब उसे आप लोढ़ी पार्टी पर पीसिएगा तो खुद वो महीन हो जाता है, या आप मिक्सी में पीसिएगा तो खुद महीन हो जाता है। ऐसे अपने आप पीस करके डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास उतना टाइम नहीं रहता है ना। तो गंवार वगैरह बोली है, तो अगर वो वीडियो में हमारा देखती होगी तो मैं कहती हूँ कि ठीक है आपने बोला गंवार, क्योंकि आप हमें नोटिस कर रहे हैं,
नोटिस लोग उसी को करता है जो आगे जाता है। तो उसके लिए थैंक यू आपको कि आपका ये लैंग्वेज है, आपने गंवार बोला। हम लोग तो किसी को गंवार नहीं बोल सकते हैं, अगर वो पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो फिर भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बेड पूरी तरह से इधर उधर अस्त व्यस्त है, तो अब हम जाते हैं इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं अपने बेड को। आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि ये ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। बाय।